जब महान ऋषि की तपस्या भंग करने पहुंची स्वर्ग लोक की सबसे सुंदर अप्सरा श्राप से बन गई थी पत्थर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र कठोर तप कर रहे थे। उनकी तपस्या से इंद्रदेव डर गए। उन्होंने सुंदर अप्सरा रंभा को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। पौराणिक कथाओं में कई अप्सराओं का जिक्र सुना जाता है। स्वर्गलोक में कई सुंदर अप्सराएं रहती हैं। अप्सरा स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाती हैं और इंद्र का मनोरंजन करती हैं। पौराणिक काल में इंद्र महान ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को धरती पर भेजते थे। यहाँ ऐसे ही एक अप्सरा की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसने महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने की कोशिश की, लेकिन ऋषि ने उसे पत्थर बनने का श्राप दे दिया। आइए सुनते हैं अप्सरा रंभा की कहानी। कहते हैं कि देवताओं और दानों के बीच हुए समुद्र मंथन से रंभा अप्सरा की उत्पत्ति हुई थी। रंभा अपनी खूबसूरती और कामुक अदाओं के लिए इंद्रलोक में विख्यात थी। रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी भी थी। कुबेर और रावण दोनों भाई थे। इस तरह रंभा रावण की बहू लगती थी। रामायण कथा के अनुसार एक बार रावण ने अपनी बहू रंभा पर गलत नजर डाली। उसने रंभा के साथ जबरदस्ती की। इससे दुखी होकर रंभा ने रावण को श्राप दे दिया कि अगर उसने किसी भी स्त्री को बिना उसकी अनुमति के छुआ तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसी श्राप की वजह से रावण ने सीता का हरण तो किया, लेकिन उनकी अनुमति के बिना भी छू नहीं पाया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र कठोर तप कर रहे थे। उनकी तपस्या से इंद्रदेव डर गए थे। उन्होंने अप्सरा रंभा को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। रंभा अपनी कामुक अदाओं से विश्वामित्र का तपस्या से ध्यान हटाने लगी। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई। वे क्रोधित हो गए। उन्होंने रंभा को 1000 साल तक पत्थर की मूर्ति बनने का श्राप दे दिया। देखते ही देखते स्वर्ग की खूबसूरत औरत शिला बनकर रह गई। कहते हैं कि शिला बनने के बाद रंभा ने शिव और पार्वती की आराधना शुरू कर दी। कई सालों तक आराधना करने के बाद शिव जी और पार्वती प्रसन्न हुए और रंभा को श्राप से मुक्त कर दिया। इस तरह रंभा का शरीर फिर से पहले जैसा हो गया। हिंदू धर्म में जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि को रंभा तीज मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं सुंदरता और बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखती हैं। सुहागन महिलाएं संतान सुख और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं अविवाहित महिलाएं सुयोग वर के लिए ये व्रत रखती हैं। इस व्रत का नाम अप्सरा रंभा के नाम पर ही पड़ा था।